हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठंड में जो है सेहतमंद होंगे। वैसे अपना ख्याल रखिए, ठंड जो है अच्छी खासी पड़ने वाली है, पड़ रही है। दिल्ली में जो है सुबह और शाम की पड़ रही है, दिन में जो है धूप निकल रही है। अभी शुक्र है कि धूप है और सुबह शाम को जो है ठंड अच्छी खासी लगती है, तो घर में पैक रहते हैं हम तो। तो गाइस, सर्दियों में ना बहुत सारी प्रॉब्लम जो आती है, एक तो ठंड की होती है, उसके बाद में जो स्किन ना ड्राई हो जाती है और बाल जो है ना फ्रीजी हो जाते हैं। मैं ना मतलब सर्दी में हमेशा जो है बाल कटवाती हूँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि फ्रीजी फ्रीजी रहते हैं और ना अच्छे लगते, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। अब भी देखिए, मतलब बिल्कुल अजीब से लग रहा है ना कि मतलब एक दिन वॉश ना करो। तो ये प्रॉब्लम जो है ना स्किन की, हेयर्स की, और सबसे ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट जो स्किन ड्राई होने की, ये प्रॉब्लम जो है मेरे साथ नहीं है, सबके साथ में, लेडीज़ के साथ में भी, जेंट्स के साथ में भी, सबके साथ में ये प्रॉब्लम होती ही है। ये जेन्युइन है कि मतलब बॉडी है तो उसमें ड्राइनेस आएगी, क्योंकि हम धूप में जाने से तो रुकते नहीं, धूप में बैठना अच्छा लगता है तो धूप में जाते हैं और क्रीम जो लोशन लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है ड्राई हो जाते हैं क्योंकि हवा जो है ना अच्छी खासी चलती है। तो उससे निजात पाने के लिए वीकली एक पैक लाई हूँ कि हफ्ते में आप इसको एक बार यूज़ कीजिए, और रियली में अपनी जो स्किन की जो बिल्कुल बाहर धूप में बैठ के ख़राब हो जाती है ना, डेड स्किन जम जाती है, और मतलब जो रौनक सी जो ख़त्म हो जाती है ना, वो उन सब चीज़ों से मतलब निजात सिर्फ एक पैक। तो गाइस, करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी रेमेडी जो मैं आपको बताती हूँ उसको यूज़ करें, फिर आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो गाइस, करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आज मैंने सही बोल दिया। तो गाइस, सबसे पहले जो है मैंने कंची कटोरी ले ली है, कंची कटोरी ही हो या कोई मतलब स्टील की ना हो, क्योंकि हम लेमन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है आधी चम्मच कॉफ़ी पाउडर, उसके बाद में जो है आधी ही चम्मच मैंने ले ली है चीनी। चीनी बारीक भी ले सकते हो आप, मोटी भी ले सकते हो, जैसी भी आपके पास हो आप ले सकते हो। उसके बाद में आधा चम्मच ही मैंने ले लिया है नारियल का तेल, उसको पहले थोड़ा गर्म कर लिया था, गर्म पानी में रख लिया था, और लास्ट में डाल दिया मैंने उसमें नींबू। तो नींबू जो है आपको पता ही है कि हमारी मतलब स्किन की जो मैल होता है, डस्ट होती है, उसको निकालने में बहुत हेल्पफुल करता है। और उसके बाद जो ये हम नारियल का तेल जो डाला है, वो हमारी स्किन को हेल्दी करता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर करता है। और कॉफ़ी पाउडर भी बहुत ज़्यादा जो स्किन को है ना, इतना ज़्यादा ब्राइट करता है और डेड स्किन निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद में जो बनाना है, मैं पैक बनाना है, जो कि हमें मतलब 5-10 मिनट के लिए रखना है। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी ले ली है, उसमें पहले डाला है 1 चम्मच बेसन, उसके बाद में डालना है 1 चम्मच गेहूं का आटा। जी हाँ गेहूं का आटा, हमें चावल का आटा यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे थोड़ी जो है स्किन ड्राई हो जाती है। तो अभी जो है हम नॉर्मली गेहूं का आटा और बेसन का ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में इसमें भी जो है आधी चम्मच हम कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। ये हमारे पैक को जो है वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा देगा। तो उसके बाद में आधा ही चम्मच मैंने इसमें डाल लिया है नींबू। तो ये जो आइटम मैंने दोनों में यूज़ करी है, दोनों मतलब एक बार आप इकट्ठा कर सकते हो सारे आइटम, उसके बाद में जो मतलब दोनों रेमेडी बन सकती है। अगर आपको नींबू जो है नहीं सूट आ रहा तो आप गुलाब जल का जो है मतलब इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट में डाला है मैंने इसमें दही, जो कि फ्रेश दही है, खट्टी वाली नहीं है, क्योंकि हमें अपनी स्किन पर लगानी है, तो ज़्यादा खट्टी वाली नहीं, फ्रेश दही हो तो अच्छी बात है, मतलब खट्टी ना हो ज़्यादा। उसके बाद जो है हमें इसको मिक्स कर लेना है, हमें इसमें भी कुछ भी नहीं डालना, पानी वानी कुछ नहीं डालना, इसको अच्छे से मिक्स करके हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ रही है पानी की तो आप नींबू डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे तो आप गुलाब जल डाल लो। फिर मतलब मैंने इसमें जो लास्ट में एक चीज़ और रह गई थी, वो थी शहद। उसके बाद में जो शहद डालने के बाद में इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो है हमारी स्किन को शाइनिंग करेगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना रियली में हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सर्दियों में तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो आपने देखा कि मतलब ये स्मूथ सा पेस्ट जो है बन के तैयार हो गया। एक्स्ट्रा इसमें मैंने ना पानी डाला ना कुछ डाला, क्योंकि नींबू भी डल गया। तो ये स्मूथ सा पेस्ट जो है बन के रेडी हो गया है। उसके बाद में हम इसे ट्राई कैसे करते हैं, तो ये भी मैं जो आपको दिखाती हूँ। पहले जो मैं आपको इसको अपने हाथों पे ट्राई करके दिखाऊंगी। पहले हम करते हैं अपने आप फेस पे लगा रहे हो तो फेस को, या हाथ पर लगा रहे हो आपको हाथ पे, तो पहले जो अपने मतलब फेस को अच्छे से साफ कर लेना है, धो लेना है। उसके बाद में कोई क्रीम वगैरह ना लगी हो, कोई लोशन वगैरह ना लगाओ, तो अच्छे से साफ़ करके ये जो सबसे पहले वाला पैक बनाया था, अब ये सर्दी में इस्तेमाल करें तो नारियल का तेल ऑब्वियसली जम जाएगा, लेकिन अब जब थोड़ा सा इसको रब करोगे तो ये थोड़ा मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है नारियल का तेल, इतना जमता नहीं है। तो उसके बाद में मैंने मतलब अच्छे से हाथों को साफ़ करके उसके बाद में स्टार्ट कर दिया इसको लगाना। चीनी जो है थोड़ी मेरी मोटी थी तो इसको जो है थोड़ा मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन यह है कि 10 मिनट तो आपको लगेंगे ही लगेंगे ये प्रोसीजर करने में, क्योंकि
और वैसे भी वीकली कर रहे हो आप, 10 मिनट या 20 मिनट नहीं दोगे अपने फेस को तो क्या ही होगा। तो मतलब हफ्ते भर की आप मतलब धूप में बैठ के जो स्किन डेड हो जाती है, बिल्कुल डेड, बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसको ठीक करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। उसके बाद में इसको अच्छे से रब करते हैं और बहुत अच्छे से इसकी मसाज करते हैं। इस जो हमारा स्क्रब, ये चीनी जो है स्क्रब का काम करती है। और बहुत आप देखोगे, जैसे मैं आपको हाथ साफ करके दिखाऊंगी ना, तो आप रियली में, और आप देखोगे धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। पहले कितनी टाइट थी ना, आप देखिए बिल्कुल स्मूथ सा, बिल्कुल टाइटनेस चली गई इसकी, और ये बिल्कुल एक लिक्विडी सा पैक बन गया। उसके बाद में जो है मैं इसको साफ़ करती हूँ कपड़े से, कहीं मैं अलग धो के नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ यहीं पर आपको लाइव दिखा रही हूँ कि यहीं पे मैंने इसको साफ़ किया। दूसरा हाथ देख रहे हो मेरा, पहले वाला हाथ देख लो आप, दूसरा इतना मतलब स्मूथ हो गया, शाइनिंग होने लगा है सिर्फ एक ही पैक से। अभी तो दूसरा पैक लगाना बाकी है, अभी मतलब मैंने सिर्फ स्क्रब किया है तब ये है, और उसके बाद जब पैक लगेगा तो आप देखोगे रिजल्ट। तो उसके बाद मैं जो हैंड वॉश करके उसके बाद मैंने जो है पैक लगाना स्टार्ट किया। तो हमें कोई ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं करना, सिर्फ उठाया और ये पैक जो है अपने हाथों पर लगा लिया, कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है थोड़ा सा इसको लगा के और 5-10 मिनट के लिए जिसको रखते हैं, पहले अच्छा से पहले हल्की लेयर लगानी है, उसके बाद में थोड़ी मोटी मोटी लेयर करके इसको जो है 10 मिनट के लिए हमको इसको रेस्ट करना है। और उसके बाद में इसको डायरेक्ट नहीं धोना है, मैं आपको दिखाती हूँ उसको क्या करना है। तो उसके बाद में 10 मिनट जो है हो गए हैं, उसके बाद में देखिए आप थोड़ा सूखने लगा है, हमें सिर्फ सुखाना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना ही है। तो अब धीरे धीरे हल्के मतलब पानी लगा लगा के अपने हाथों पर, उंगलियों पर, फिंगर पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, या दूध है, कच्चा दूध है वो भी लगा सकते हो, तो धीरे धीरे इसको रब करना है। तो रब करते करते इसको 5 मिनट की आपको इसको मसाज करनी ही करनी है, और आप देखोगे कि जैसे जैसे ये साफ़ होता जाएगा ऐसे ऐसे आपकी स्किन जो है निखरती जाएगी। रियली में बहुत ज़्यादा इसका अच्छा जो है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप मुझे बताना। तो गाइज़ अब मैं इसको जो है कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, मुझे एडिटिंग मतलब ये कैमरा सेट करना नहीं आता, ये इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो आप देख रहे हैं मतलब मेरा हाथ आप देख रहे हो, ये इधर वाला कितना ज़्यादा शाइनिंग हो रहा है, और स्किन जो है इतनी ब्राइट हो गई है कि क्या ही मैं आपको बताऊँ। तो गाइज कैसी लगी वीडियो, है ना धमाकेदार वीडियो। सिर्फ एक दिन यूज़ करो, पूरे हफ्ते फ्री रहो, मज़े में रहो अपना, और नेक्स्ट वीक फिर तैयारी करो अपने फेस को चमकाने के लिए, जो डेड स्किन होती है उसको हटाने के लिए। मतलब देखो कि मतलब कितना वो हो जाता है फ़र्क, कितना ज़्यादा। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने मतलब हाथों पे यूज़ किया, आपने देखा वो आके में बहुत ज़्यादा जो है अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। आप भी इसको यूज़ कीजिए। और गाइस करते हैं अपनी वीडियो का एंड, बाय बाय, मिलते रहेंगे।